डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टू एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू थ्री एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर। तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें या फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लें या फिर ए स्क्वायर लें, एक ही बात है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो इट इज़ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। तो दोनों वैक्टर सेम है तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री का होगा। सो इट इज़ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू वन, क्योंकि कॉस जीरो डिग्री वन होता है। तो ये हो गया ए वेक्टर के मॉड का स्केयर, जिसको ए स्केयर भी। तो इसीलिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें या ए स्केयर लिखें या ए वेक्टर का मॉड स्केयर लिखें, एक ही बात है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके सॉल्यूशन में हम इसी बात का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से शुरू करेंगे। हमें ए वेक्टर सॉल्यूशन, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड चाहिए। तो हम पहले इसके स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्योंकि अभी बताया किसी भी वेक्टर के मॉड का स्केयर या उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, इट्स सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इट्स सेल्फ इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जब इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मिलेगा प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जब बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस के साथ तो मिलेगा माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोले या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक ही बात होती है। बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ से मिलेगा माइनस टू टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर। तो ए वेक्टर के मॉड की वैल्यू टू है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू हमें फोर गिवन है, और प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर। सो इट इज फोर माइनस एट प्लस नाइन, सो इट इज माइनस फोर प्लस नाइन, सो इट इज फाइव। सो फाइव इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर की वैल्यू है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो उसकी लेंथ बता रहा है और लेंथ इज नेवर नेगेटिव। सो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया फाइव, दिस मच यूनिट्स। सो इट इज़ द आंसर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट फाइव।